नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे तो पहले पढ़ेंगे हम डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स। डेडलॉक कब आता है, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करा जाता है। अब प्रिवेंट करा जाता है आने से पहले, अगर डेडलॉक मतलब दो प्रोसेस के बीच में डेडलॉक अराइव होने से पहले प्रिवेंट करा जाएगा। अब तक आया नहीं है, लेकिन जब आ जाए, जब आ जाए तो क्या करेंगे, अवॉइडेंस करेंगे, मतलब पूरा होने वाला है, बस अब डेडलॉक आने ही वाला है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आपको कोई मानने आने ही वाला है, अब तुरंत घर के अंदर घुस गए, अवॉइड कर दिया आपने उससे मिलना, अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, दोस्त मतलब जो छोटे छोटे स्कूल में बच्चे होते हैं उनके बीच में आपस में थोड़ी मोटी लड़ाई हो गई है, एक दूसरे को मानने आने ही वाला है, बस वो पहुंच ही चुका है, बस उसी टाइम पे उसने उसे अवॉइड करके साइड से निकल गया, वो मतलब होने ही वाला था बस निकल गया, तो उसे बोलता अवॉइड करना, राइट। अब चौथा है अगर आ गया, डिटेक्शन। डिटेक्ट कैसे करेंगे कि आ गया है डेडलॉक, अगर आ गया तो कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्टली है रिकवरी कैसे करेंगे, मतलब अगर हमें पता लग गया डिटेक्ट वो डेडलॉक आ चुका है, ठीक है डेडलॉक कैसे आता है, प्रिवेंट कैसे करते हैं, अवॉइड कैसे करते हैं, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे तो डिटेक्ट कैसे करेंगे कि डेडलॉक आ चुका है, और फिर रिकवर कैसे करेंगे उसे। ठीक है, तो यह है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो आप अलग करके लिखिए, यहाँ लिखिए डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक करके पॉइंट्स उतारिए, उसके बाद फिर एक अलग हेडिंग लिखिए डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। ओके, उसके अंदर लिखिए चार पॉइंट, या एक एक पॉइंट करके लिखिए। पहला लिखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट, एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, हम इतनी बार अब इस वर्ड को सुन चुके हैं तो अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड टू एंटर इन टू रिसोर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रिसोर्स के अंदर सिर्फ एक रिसोर्स के अंदर, एक रिसोर्स है R1, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस अलाउड है। मतलब अंदर का मतलब क्या है, वो रिसोर्स सिर्फ एक ही प्रोसेस को एलोकेट हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। ओके, अब ये तो हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये कंडीशन है उसकी, ठीक है नोट करके लिख लीजिएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इफ वन रिसोर्स इज अलाउड टू एलोकेटेड ऑन वन प्रोसेस टू वन प्रोसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन दिस कंडीशन इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और दीज दोज रिसोर्स आर इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट। ओके, सेकेंडली क्या है, सेकेंड क्या है आपका, है सेकेंड है आपकी होल्ड एंड वेट, मीन्स प्रोसेस वन होल्डिंग अ रिसोर्स, होल्डिंग अ रिसोर्स आर वन एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स आर टू, विच रिसोर्स इज ऑलरेडी होल्ड बाय पी टू, राइट। पी वन इज हैविंग अ रिसोर्स, मतलब होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अदर रिसोर्स। ओके, दिस टाइप ऑफ कंडीशन, इफ दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज अराइज इन द सिस्टम, देन वी आर गोइंग टू से दैट इट इज होल्ड एंड वेट कंडीशन, और पी वन इज इन होल्ड एंड वेट कंडीशन बिकॉज ही इज होल्डिंग, इट इज होल्डिंग रिसोर्स आर वन एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स आर टू, राइट। ओके, मतलब पी वन जो है वो आर वन रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और वेट कर रहा है आर टू रिसोर्स के लिए। तो जब भी इस टाइप का सिनेरियो हमारे सामने आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, होल्ड एंड वेट कंडीशन में, या होल्ड एंड वेट स्टेट में है, कौन, पी वन, राइट। ओके, अब नेक्स्टली देखते हैं हम, नेक्स्टली क्या है, थर्ड आपका नो प्रियम्पशन। अब नोट करके लिखिए, द प्रोसेस हैज टू वॉलेंटरली रिलीज द रिसोर्स, ओके, मतलब हर एक प्रोसेस को अपनी इच्छा से रिसोर्स को रिलीज करना चाहिए, फोर्सफुली, फोर्सफुली प्रियम्प्ट द रिसोर्स, फोर्सफुली प्रियम्प्शन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम प्रोसेस इज नॉट अलाउड, राइट। मतलब हर एक प्रोसेस को, P1 है वो उसके पास, मान लीजिए उसको एलोकेट है R1 एलोकेट है,
आर टू एलोकेट है, आर थ्री एलोकेट है, लेकिन वो आर फोर के लिए वेट कर रहा है। मान लीजिए आर फोर के लिए वो वेट कर रहा है, आर फोर के लिए वेट कर रहा है, आर आर वन, तो सॉरी सर्कल की बना दिया मैंने, आर वन आर टू आर थ्री उसके पास है, मतलब होल्ड कर रहा है उसे, और आर फोर के लिए वेट कर रहा है। और मान लीजिए इसी वेटिंग के चलते अब आर फोर किसी और को गिवन था, अब ठीक है, और उसे आर वन चाहिए था, आर फोर किसी और प्रोसेस को गिवन था और जिसे आर वन चाहिए था, तो इस प्रोसेस इस रिसोर्स के चलते पी वन किसी और प्रोसेस के साथ डेडलॉक स्टेट में आ गया। लेकिन इसके पास अब भी दो रिसोर्स हैं जिसने खामखा ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जिन्हें ये यूज भी नहीं कर रहा, तो उसे अपनी इच्छा से वो दोनों रिसोर्स रिलीज करने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम फोर्सफुली उनको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो नोट करके लिख लिया होगा आपने, ठीक है? मैंने स्टेटमेंट पूरी बोली, एक बार रिपीट कर देता हूं। ईच प्रोसेस हैज टू वॉलेंटरली रिलीज द रिसोर्स, रिलीज द होल्डिंग रिसोर्स, फोर्सफुल फोर्सफुली प्रियम्प्शन ऑफ रिसोर्स इज नॉट अलाउड, राइट? ओके, तो ये हो गया आपका क्या, नो प्रियम्प्शन वाली कंडीशन, राइट? ओके, अब लास्ट लिख लिए फोर्थ कंडीशन जो है, फोर्थ है आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या हमने देख रखा है, कई बार देख रखा है, तो दो प्रोसेस पी वन पी टू मान लेता हूं मैं, होल्ड कर रहे हैं एक एक रिसोर्स को और वेट कर रहे हैं एक एक रिसोर्स पे, जो क्रिएट कर रहा है आपका एक साइकिल आर वन आर टू, ठीक है? ये होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या है, सर्कुलर वेट है, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस वेट कर रहे हैं एक इवेंट के होने का जो कि नहीं होने वाला, तो और वो वेट कर रहे हैं किस वे में, एक सर्कुलर वे में वेट कर रहे हैं, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? पी वन पी टू के ऊपर डिपेंडेंट है, पी टू पी वन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब पी वन चाह रहा है कि पी टू अपना एग्जीक्यूशन जल्दी से खत्म करे ताकि उसे जो रिसोर्स एलोकेट हुआ है आर वन वो उसे रिलीज कर दे, और उसके बाद पी वन अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। सेम पी टू चाह रहा है कि पी वन अपना एग्जीक्यूशन जल्दी से कंप्लीट करे और उसे जो रिसोर्स एलोकेटेड है आर टू उसे रिलीज कर दे ताकि पी टू अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। अब दोनों यही सोच रहे हैं और अटके हुए हैं, और किस किस वे में वेट कर रहे हैं, सर्कुलर वे में वेट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ये है आपका सर्कुलर वेट। अब नोट करके लिखिए, देखिए नोट करने से पहले ये सारी की सारी आपकी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है? ये सब होना चाहिए, अगर डेडलॉक आना है तो इन ये सारी की सारी कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन इन इनका होना डेडलॉक आने का वो नहीं है, मतलब सफिशियंट नहीं है डेडलॉक आने के लिए। लेकिन इफ ऑल द अबव, नोट करके लिखिए, इफ ऑल द अबव कंडीशंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम, देन द सिस्टम श्योरली इन डेडलॉक, और डेडलॉक इज श्योरली प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट? ओके, मतलब क्या हुआ, अगर चारों स्टेटमेंट एक साथ एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर, तो वो श्योर, मतलब उस कंडीशन में हम श्योरली ये कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक है ही है, क्योंकि अगर सर्कुलर वेट है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं है, या फिर होल्ड एंड वेट अलाउड नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, और प्रीएम्पशन भी अलाउड नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले रिसोर्सेज हैं, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही आएगा एक रिसोर्स पे, तो क्या होगा, अगर ये सब एक साथ होंगी तो ये सफिशियंट कंडीशन भी बन जाती है, मतलब इंडिविजुअली ये सारी नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन चारों अगर एक साथ आती हैं तो ये सफिशियंट कंडीशन भी बन जाएगी, राइट? ओके, तो नेक्स्टली हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक का, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका डेडलॉक प्रियम्पशन, प्रियम्पशन, ठीक है, वो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कह रहा हूं, डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब डेडलॉक को आने से रोकना है। अब डेडलॉक को आने से कैसे रोकेंगे, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है ये एग्जिस्ट होने से रोक दो, मतलब डेडलॉक आने के लिए जो जो चीजें जरूरत है ना उन्हें होने मत दो, तो क्या डेडलॉक रुक सकता है ना, डेडलॉक कब इंश्योर होगा, मतलब कब आप श्योर कर सकते हैं कि डेडलॉक आ चुका है सिस्टम के अंदर,
जब ये सारी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी, किसी भी एक को रोक दो प्रॉपरली, ठीक है, तो डेडलॉक नहीं आएगा। तो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर भी आप चार पॉइंट बनाइए, चारों यही पॉइंट होंगे जो डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बनाए, बस अंदर का कंटेंट अलग होगा, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्स हैज टू बी इन शेयर्ड मोड, ऑल द रिसोर्स हैज टू बी इन शेयर्ड मोड एज मच एज पॉसिबल, नॉट ऑल, एज मच एज पॉसिबल। बिकॉज क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे रिसोर्सेज आप शेयर्ड मोड में कर सकते हैं? एक प्रिंटर है, प्रिंटर है, एक बार में एक से ज्यादा रिसोर्स, एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस इस्तेमाल करके दिखाई है, P1 है P2 है, ऐसा हो सकता है कि आप एक ही टाइम पे P1 की कमांड भी प्रिंट कर दे, P2 की भी कर दे? मतलब P1 का डॉक्यूमेंट और P2 का डॉक्यूमेंट एक ही टाइम पे एक ही साथ प्रिंट हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है ना कभी भी। तो लेकिन अगर मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक नाम का डॉक्यूमेंट है, वो ड्राइव अंदर है उसकी, उसको अगर हम रीड मोड में कर देंगे, रीड मोड में कर देंगे मतलब कोई से अपडेट तो ना करे, लेकिन एक से ज्यादा प्रोसेस इसे एक ही टाइम पे रीड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसे आपने रीड मोड पे सेट कर दिया है। रीड मोड में सेट करने का मतलब इनमें से कोई भी प्रोसेस अभी उसमें अपडेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट रीड करना है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए तीन चार प्रोसेस हैं, सबको सिर्फ डॉक्यूमेंट रीड करना है, तो एक बार में एक से ज्यादा इंस्टेंस हो गए ना रिसोर्स के, तो क्या होगा? मल्टीपल इंस्टेंस वाले रिसोर्सेज हो गए, तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन हर केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, मतलब हर केस में रिसोर्सेस को पूरी तरह शेयर करना पॉसिबल नहीं है। किन केसेस में? प्रिंटर जैसे केसेस में, राइट? ओके, नेक्स्टली हम देखते हैं। नेक्स्टली क्या है? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट को आने से रोकना है आपको। होल्ड एंड वेट को आने से कैसे रोकेंगे? मतलब कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो होल्ड करके कुछ रिसोर्सेस को और किसी और रिसोर्स का वेट करे। मुझे इस कंडीशन को रोकना है, कैसे रोकूंगा? दो दो तरीके हैं। पहला, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले, किसी भी टाइम पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे उससे पहले सारे के सारे जितने रिसोर्स चाहिए तुम्हें उसकी लिस्ट बनाओ, एक बार में पहले एक बार में ले लो, ठीक है, एक बार में सारे रिसोर्सेस ले लो, जितने भी रिसोर्स आपको चाहिए सब के सब ले लो। जब तक मिले ना तब तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मत करो, जब तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मत करो। ऐसा ना हो एग्जीक्यूशन करते हुए बीच में रुक गए, दो रिसोर्स लेके बैठे हो, तीसरे के लिए वेट कर रहे हो कि तीसरा वाला फ्री हो तब मुझे मिलेगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे रिसोर्स को ऑक्यूपाई करो, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। लेकिन इसमें कमी क्या आई थी, हमने पीछे डिस्कस करा था। अगर मान लीजिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो रीड मोड में चाहिए, नेक्स्टली आपको कुछ राइट करना है, और एक प्रिंटर चाहिए, या फिर आयो, यहाँ मान लीजिए यहाँ आपको आयो डिवाइस का इस्तेमाल करना है, और एक प्रिंटर चाहिए, और एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जिसे आपको राइट करना है, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि आपको सबके सब रिसोर्सेज जिस ऑर्डर में चाहिए उस ऑर्डर में आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आप ऐसा बहुत ही कम केसेस में होगा, ऐसा बहुत ही कम टाइम में होगा जब आपको सब कुछ एक साथ अवेलेबल मिले, तो आप कभी भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? मतलब ये एक सॉल्यूशन था लेकिन ये प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा बहुत कम केसेस में होगा जब आपको सब कुछ एक साथ मिले, आप वेट कर रहे हैं उसका कि हाँ सब कुछ मेरे साथ एक बार एक साथ मेरे हाथ में आएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं टेस्ट सीरीज लेने के, तब सोचते हैं जब मेरा कोर्स पूरा एक बार पढ़ के मैं खत्म कर लूंगा उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता, आपको जितना आया है उसके साथ आगे बढ़ो, जहां अटको उसे सीखो फिर दोबारा आगे बढ़ो, राइट? ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा तरीका क्या है हमारा? हम ये कर सकते हैं, मैं मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, उसे मान लीजिए कुछ रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, उसने रिक्वेस्ट करी ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसने रिक्वेस्ट करी मान लीजिए 100 रिसोर्सेस की, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे एलोकेट करे 60 रिसोर्सेस, बाकी फ्री नहीं थे, तो P2 क्या करे? P2 उन्हें होल्ड करे, या फिर होल्ड करके बाकी के लिए वेट करे जो हम करते हैं होल्ड एंड वेट में यही होता है, या फिर वो इन 60 को भी रिलीज कर दे, 60 को भी
जो एलोकेट हुए थे ना उन्हें रिलीज कर दे और फिर दोबारा 100 की रिक्वेस्ट करे। जो 60 मिले थे उन्हें भी रिलीज कर दो और फिर दोबारा 100 की रिक्वेस्ट जनरेट करो, ठीक है, ताकि आपको पूरे एक बार में मिले और आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाओ। लेकिन इससे क्या कमी आएगी, इससे क्या दिक्कत होने वाली है? इससे दिक्कत होने वाली है स्टारवेशन की, सिमिलर केस, ठीक है। अगर आप इस वाले उसको आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे या इस आइडिया को फॉलो करोगे, इस टर्मिनोलॉजी पे चालू करोगे, तो होगा क्या, स्टारवेशन आ सकता है, स्टारवेशन से सफर कर सकता है आपका प्रोसेस। ओके राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो प्रियम्पशन। अब नो प्रियम्पशन केस है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, लेकिन हम उसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया मान सकते हैं, ठीक है। नो प्रियम्पशन, अब दो केस हो सकते हैं। एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुका है, जो एग्जीक्यूट स्टेट में जा चुका है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुका है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक है एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट नहीं करा, नॉट स्टार्टेड येट, ठीक है। एग्जीक्यूशन इसने स्टार्ट कर दिया, इसने स्टार्टेड अब स्टार्ट अभी नहीं करा। अब इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं, वो डेडलॉक, अब इसे कोई और रिसोर्स चाहिए, मतलब जिसके पास भी रिसोर्स, जिस प्रोसेस के पास रिसोर्स है उसे फर्दर रिसोर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट है फर्दर रिसोर्स की, रिक्वायरमेंट है और नो नो फर्दर रिक्वायरमेंट, नो नो फर्दर रिक्वायरमेंट, मतलब अलग अलग केस बना रहा हूं मैं, ठीक है। एक एग्जीक्यूशन में, अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं करा, और रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स अभी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। इसके बाद जो जिसे रिसोर्स चाहिए वो क्या डेडलॉक के अंदर है, डेडलॉक के अंदर है या फ्री है, अभी डेडलॉक से फ्री है, फ्री फ्रॉम डेडलॉक, राइट। ओके, तो अब इसमें केस देखो क्या है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। नो प्रियम्पशन के अंदर किस किस केस, क्या क्या केस हो सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई एग्जीक्यूशन के अंदर है, आप उसके अंदर प्रियम्पशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जीक्यूशन स्टेट में, उस प्रोसेस से आप छीन नहीं सकते उसके रिसोर्सेस। अब एक केस है कि प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करा, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करने पे हो सक उसे फर्दर रिक्वायरमेंट है और रिसोर्सेस की, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मान लीजिए नहीं है, बस वो जाएगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा थोड़ी देर बाद जब भी उसे वो मिलेगा, ठीक है। अब जिन्हें रिक्वायरमेंट है, फर्दर रिक्वायरमेंट है जिन्हें, उसके अंदर दो केस हो सकते हैं, फ्री फ्रॉम डेडलॉक और कैप्ट इन डेडलॉक, ठीक है। मतलब डेडलॉक के अंदर वो इन्वॉल्व है और डेडलॉक से फ्री है। जो डेडलॉक के अंदर इन्वॉल्व है ऑपरेटिंग सिस्टम, उन प्रोसेसेस के रिसोर्सेस को प्रियम्प्ट कर सकता है, ठीक है, उन प्रोसेसेस के रिसोर्सेस को प्रियम्प्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब जो डेडलॉक के अंदर इन्वॉल्व है ना, जो प्रोसेसेस, मतलब आप तो वैसे ही अटके पड़े हो, तो जो आपके पास, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने अभी हमने केस दिखा था ना, बहुत सारे वो P1 P2, ठीक है, आर फाइटिंग ऑन अ रिसोर्स और फाइटिंग ऑन टू रिसोर्स R1 एंड R2, सेम वही, मेरे को चाहिए, मेरे को मिला नहीं है, है। और P2 को मान लो बहुत सारे रिसोर्स और मिले हुए हैं, R3 R4 R5 R6 R7 R8, और यही सारे रिसोर्सेस बाकी प्रोसेसेस को भी चाहिए, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें दे दो, ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये सारे रिसोर्सेस चाहिए। तो क्या होगा, ये तो भाई लड़ाई में अटक गया, ये तो कि नहीं मैं तो ये मेरे को चाहिए, वो कह रहा है मेरे को चाहिए, ये भाई तो लड़ाई में अटक चुका है P2 तो P1 के साथ, कि पहले तू जल्दी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर, मुझे रिसोर्सेज दे, मुझे एग्जीक्यूशन करना है। वो भी सेम कह रहा है, तू जल्दी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर, मुझे रिसोर्सेज दे, मुझे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जो प्रोसेसेस इन सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे वो खामखा अटके पड़े हैं,
क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो किसी और के पास है और वो लेके बैठा हुआ है, जिस किसी और चीज के लिए लड़ रहा है वो। तो इस केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो P2P से इन सारे रिसोर्सेस को प्रियम्प्ट कर देगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ कोई प्रोसेस हो, ठीक है, जिसके पास R1 का एक इंस्टेंस हो, जिसके पास R1 का एक इंस्टेंस हो, उसे एलोकेट हो R1 का एक इंस्टेंस है, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है एक इंस्टेंस के लिए जो P2 के पास एलोकेट है। केस बता रहा हूं मैं, ऐसा हो सकता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सोचता है कि अगर मैं इन्हें प्रियम्प्ट कर दूंगा तो होगा क्या, ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे, बाकी बचे हुए प्रोसेस है वो फिर हो सकता है इनके मतलब रिसोर्सेस के कुछ इंस्टेंस को रिलीज कर दें, ताकि ये जो डेडलॉक है ये रिजॉल्व हो जाए, मतलब डेडलॉक अकर ही ना हो। डेडलॉक तो मतलब ये है ना फाइनल स्टेट, क्या आगे ही नहीं बढ़ रहा, कि डेडलॉक की कंडीशन है ये फेल हो जाए, मतलब प्रॉपरली डेडलॉक ना बने, ये प्रिजर्व हो जाए, राइट, डेडलॉक आने से पहले बच जाए, प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। ओके तो ये आपके क्या केस हो गए, नो प्रियम्पशन के। नो प्रियम्प मतलब प्रियम्पशन हम कर सकते हैं लेकिन एक सर्टेन केस के अंदर, इतने सारे केस बनते हैं उसके अंदर से सिर्फ एक सर्टेन केस के अंदर हम प्रियम्पशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब लास्टली फोर्थ केस जो है, आप नोट्स बनाइए प्रॉपरली, क्योंकि ये अभी तो आपको समझ में आएगा लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे। प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, जो मैं बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं उन्हें अपने वर्ड में अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ताकि आप उन्हें जल्दी पढ़ पाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ लिखिए लेकिन बुलेट पॉइंट्स बना के मेन लिखिए, मैं जो मेनली बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ उन्हें लिखिए, और जो मैं बोलता ही हूँ कि ये नोट डाउन कीजिए उन्हें तो जरूर नोट डाउन कीजिए, राइट। ओके लास्ट है आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के अंदर क्या है, सर्कुलर वेट में हमने क्या देखा था कि जो प्रोसेस है वो सर्कुलर वेट के अंदर होने चाहिए, मतलब एक सर्कुलर वे में वेट करने चाहिए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है जो मैंने बोली थी कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सिंगल इंस्टेंस के होने चाहिए, स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने जब डेडलॉक का इंट्रोडक्शन कर रहा था, अगर ये रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस के हैं, R1 के पास एक ही इंस्टेंस है, R2 के पास एक ही इंस्टेंस है, तभी ये नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है डेडलॉक के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए R1 के पास एक से ज्यादा रिसोर्स हैं जो कि उसने किसी और को भी दे रखा है, P2 या P3 को या फिर P4 को, तो ऐसा हो सकता है, मतलब तब ये नेसेसरी है सफिशियंट कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज है वो मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंस टाइप के हैं, उसके अंदर सर्कुलर वेट का होना या फिर आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, नोट करके लिखिए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज, फॉर मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू यूज बैंकर्स एल्गोरिदम। ओके, बैंकर्स एल्गोरिदम जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अवॉइडेंस में, अवॉइडेंस के अंदर और कुछ नहीं है सिर्फ बैंकर्स एल्गोरिदम है, कि हमें लग रहा है कि डेडलॉक आ गया भाई, डेडलॉक आ गया, डेडलॉक आ गया, अब उसे बचे कैसे, बचेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम से, अगर कि वो ये देखेगा कहीं से रास्ता है क्या बचने का, मतलब आपके पास बस आपका मतलब काम तमाम होने ही वाला है, आपका काम खराब होने वाला है, बहुत बुरी तरह खराब होने ही वाला है, तो आप बैंकर्स एल्गोरिदम लगाएंगे कि कहीं से क्या बच रास्ता है बचने का, वो ये देखेगा कि क्या कहीं मल्टीपल इंस्टेंस वाले रिसोर्सेज हैं, हाँ हैं, तो क्या कोई रास्ता बच सकता है, मतलब क्या कोई रास्ता है जिससे हम मैं बस बच के निकल सकता हूँ, जिससे सिस्टम डेडलॉक में ना जाए, बच जाए, अवॉइड कर जाए डेडलॉक को, तो वो हम देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम में जो कि हम पढ़ने वाले हैं अवॉइडेंस में, राइट। उसके बाद हम लास्टली देखेंगे आपका डिटेक्शन कैसे करते हैं और रिकवरी कैसे करते हैं। ओके राइट।